एक घूमर से निकालने का काम नितीश जी और सुशील जी की जोड़ी ने और यहाँ की एनडीए की पूरी टीम ने एक अद्भुत काम किया। बिहार में एनडीए और केंद्र में भी एनडीए होने की वजह से आज यहाँ विकास की रफ्तार तेजी मिली। शुरू हो चुका है, यहाँ की काफी व्यवस्था अब सीएनजी आधारित होने वाली, साथ में पटना के लोगों को अब पाइप के माध्यम से सस्ती और अच्छी मिलने आने दो, आने दो 370 को आने दो। नल से जल देने का पूरा उठाया है और पटना को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया को और गति देने वाला। ये जो बदलाव आ रहा है उसके लिए फिर एक बार नीतीश जी, सुशील जी और एनडीए की पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है, अनेक अनेक बधाई के पात्र है। बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का संकल्प आज सभी ने मिलकर बिहार को जिस स्थिति से बाहर निकाला वो प्रशंसनीय है। आइए बहनों, बिहार में विकास की जिस रफ्तार को पकड़ा वो और गति पकड़े इसके लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने निरंतर प्रयास किया। कुछ दिन पहले ही भरौली में 30,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ये बिहार के विकास के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक और झलक है। साथियों, एनडीए की सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है बिहार में विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये सुनिश्चित हो, इसी सोच के साथ बिहार प्राथमिकता दी जा रही। राज्य में एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईएम या फिर उच्च प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े दूसरे संस्थान खोले जा रहे हैं। और शहरों की सड़कों का, यहाँ के नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ किया जा रहा है। साथ में इसको उड़ान योजना से भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अब तो गंगा जी के माध्यम से बिहार को, यहाँ के उद्यमियों को देश के समुद्री इलाकों से जोड़ने का काम भी चल रहा है। इससे बिहार को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। भाई और बहनों, परिवहन के साथ साथ बिजली और ऊर्जा से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान जो हमारी एनडीए सरकार ने चलाया है उसका लाभ पूरे बिहार को मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का हम सफल हुए हैं और मैं नीतीश जी को बधाई देता हूँ। आज बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। इसी तरह बिहार को पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के समुद्र किनारों को पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ने का काम जोरों पर है और यहाँ के रसोई को और यहाँ के उद्योगों को गैस आधारित बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज बरौनी के खाद कारखाने जैसे अनेक उद्योग फिर से शुरू हो पा रहे हैं। इस बिहार के युवा साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। साथियों, ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं उनसे बिहार में उद्योगों के लिए एक बेहतर वातावरण बना है। साथियों, उद्योगों के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं के लिए भी देश के इतिहास की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आज जमीन पर उतर गई है। इस योजना का लाभ बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों समेत देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को होगा। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है उनको बैंक खाते में सीधी मदद मिलनी सुनिश्चित हुई। अभी की स्थिति के हिसाब से ही देश के किसानों को इस योजना के माध्यम से हर वर्ष प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में जमा होंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई चोरी करने वाला नहीं। अब उन्हें बीज खाद कीटनाशक चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने आपके इस चौकीदार ने शुरू की। ये जो लूट खसोट बेनामी प्रॉपर्टी और बिचौलियों की संस्कृति बिहार देश की राजनीति में दशकों से सामान्य हो चुकी थी, इसको बंद करने की हमने हिम्मत दिखाई। गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ और पसीने की कमाई पर जो अपनी दुकानें चला रहे थे वो अब चौकीदार से परेशान है। और इसलिए चौकीदार को गाली देने की कॉम्पिटिशन चल रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है।
सुरक्षा देश की, देश पर बुरी नजर करने वालों के सामने आपका एक चौकीदार। और हमारे एनडीए के गठबंधन दीवार बन करके खड़ा देश की रक्षा सुरक्षा गरीब वंचित शोषित मध्यम वर्ग के हित में जितने भी मुश्किल जितने भी बड़े फैसले लेने हैं वो दंगे की चोट पर लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। बीते 5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने जितने ज्यादा गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है ये अभूतपूर्व है। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने करीब 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज की सुविधा से जोड़ा। लगभग 35 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। लगभग 21 करोड़ लोगों 2 लाख रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा का कवच दिया। लगभग 7 करोड़ गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया है। 3 करोड़ से अधिक मध्यम वर्ग के साथियों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर दिया काम दिया मुक्ति मिली। 1 करोड़ से अधिक गरीबों को अपना पक्का घर दे दिया। 1 करोड़ से अधिक लोगों को अटल पेंशन से छोड़ा है। इसी तरह सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण भी एनडीए की ही सरकार ने दिया है। और ये काम भी बाकी वर्गों के हकों छेड़े बिना किया गया। साथियों, ये जितनी भी उपलब्धियां अब तक मैंने गिनाई है ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि 2014 में आपने एक मजबूत एनडीए को जनादेश दिया। साथियों, 2014 से लेकर अब तक का समय देश की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का, जरूरतों को पूरा करने का था और 2019 के बाद आगे का समय देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाई पर पहुंचाने का। बीते 5 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव एनडीए ने मिलकर तैयार की है। अब समय आ गया है इस मजबूत नींव पर सशक्त समृद्ध नए भारत का निर्माण हो। भाई और बहनों, देश में अगर महान मिलावट वाली सरकार रहती तो ना फैसले होते और ना ही गरीबों का कल्याण होता। इन लोगों की प्रवृत्ति अपना विकास करने की है, देश का विकास करने की नहीं है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों और मेरे देश के भाइयों बहनों, जरा याद कीजिए,
उतारिए ना, जरा याद कीजिए, नीचे उतारिए ना। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे नीचे करिए ना सर, तो उन्होंने एक से बढ़कर एक अनेक योजनाएं शुरू की। देश में नए नए हाईवे का निर्माण, गांवों तक सड़क का निर्माण, सबको शिक्षा का अभियान, उन्होंने कितनी ही योजनाएं शुरू की। लेकिन कांग्रेस के साथ ही सरकार में आए तो सारे कामों की रफ्तार धीमी कर दी गई। हमारे नीतीश जी तो खुद गवाह है, अटल जी की सरकार में रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार के लिए कितना कुछ किया। लेकिन उनकी शुरू की गई सारी अनेक योजनाओं को भी कांग्रेस ने 10 साल में आगे नहीं बढ़ने दिया। गंगा पर बने दो पुल इसके जीते जागते उदाहरण है। जब वो रेल मंत्री थे तो अटल जी ने उनका शिलान्यास किया, उनके गिराने के बाद दोनों पुलों पर काम लगभग ठप पड़ गया। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद इन पुलों के काम में तेजी आई और मेरे द्वारा उनका लोकार्पण किया गया। साथियों, महामिलावट के घटक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उन्हें देश की कोई परवाह नहीं है, न वो देश की परवाह।